इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम की। क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर? माइक्रोस्पोरेंजियम जो प्रेजेंट होगा वो एंथर के अंदर प्रेजेंट होगा। तो हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक बाइलोब एंथर का है डायग्राम है। इसके मिडल पार्ट पर, सेंट्रल पार्ट पर इट्स कॉल्ड कनेक्टिव। ये है पोलन सैक। यहाँ से आउटर वॉल से और इसके बीच की जो डिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड एंथर वॉल। अब जब हमने एंथर वॉल की बात करी है तो हम एक बार देखते हैं कि एंथर वॉल में क्या क्या मेंशन है। एंथर वॉल के अंदर फर्स्ट आएगी आउटर लेयर। इट अ सिंगल लेयर। नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सिंगल लेयर है, फ्लैट सेल है कोई, और उसका मेन फंक्शन जो है वो है प्रोटेक्शन का। अब इसके बाद सेकंड लेयर आएगी जिसकी जो सेल्स हैं दे आर रेडिकल इन नेचर। दैट इज एंडोथीसियम। ये भी सिंगल लेयर है, रेडिकली अरेंज्ड है। इसके अलावा कैलोस थिकनिंग है इसके अंदर, कैलोज की बनी हुई है। ये हम कैलोज के बारे में अभी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 to 3 लेयर्स की सेल है which is known as middle layer, 2 to 3 layered cell है ये हमारे पास। इसका main function जो है वो
डी सेंस ऑफ एंथर, एंथर को डिसेंट करना है इसका काम, वो हम आगे बात करेंगे किस तरीके से डिसेंट होगा। डिसेंट जो होगा मेनली वो इन पॉइंट से होगा। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, पार्ट ऑफ डिसेंस, यहाँ से डिसेंस होगा, यहाँ से ये सेल रप्चर होगी, जहाँ से मैच्योर होने के बाद माइक्रोस्पोर्स बाहर निकलेंगे। लास्ट की जो लेयर है वो कॉनिकल शेप्ड है। टैपिटम, टैपिटम इट्स एन इंपॉर्टेंट लेयर। कॉनिकल सेल्स हैं, थिक साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मीन्स मेड अप ऑफ, या फिर जो ये फॉर्म होते हैं मल्टी न्यूक्लियर, दे आर ड्यू टू पॉली प्लॉइडी। प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इसके अलावा ये सिक्रीशन करती है, सिक्रीट एंजाइम कैलोज। कैलोज एंजाइम क्या होगा, जब हमारा पोलन के हम आगे स्टडी करेंगे, वो एक टेट्राड की फोर लेयर के स्ट्रक्चर में जो फॉर्म होगा, इट दे आर जॉइंटेड बाय कैलोज। तो जो जिसमें एंजाइम सिक्रीट होगा दैट इज अ कैलेज, वो कैलेज एंजाइम क्या होगा, कैलोज को डाइजेस्ट कर देगा और उनको सेपरेट आउट करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा दे सिक्रीट या फॉर्म यूबिश बॉडी। यूबिश बॉडी के अंदर मेनली जो कंटेंट होता है कोटेड विद स्पोरो पोलेनिन। स्पोरो पोलेनिन लिविंग लाइफ का एक सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, जो किसी भी इसका मेन फंक्शन है कि ये ना तो टेम्परेचर से डिग्रेडेट होता है, ना ये किसी पीएच से डिग्रेडेट होगा, ना ही किसी एंजाइमेटिकली एक्टिविट से डिग्रेडेट होगा। इसलिए ये पोलन ग्रेन को एक स्टेराइल स्टेट में लेके चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं फॉसिल स्टेट। इसकी हम जब पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट माइक्रोस्पोरो जेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनसाइड द पोलन सैक बाय माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मीन्स माइक पोलन ग्रेन की जो फॉर्मेशन है या माइक्रोस्पोर की जो फॉर्मेशन है, वो माइक जो पोलन सैक के अंदर होगी माइटोटिक डिवीजन के थ्रू, उसे हम बोलेंगे माइक्रो स्पोर्स। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मीन्स एमएमसी, एमएमसी से
वन मियोटिक डिवीजन, एमएमसी क्या हो गया, माइक्रोस्पोर, मदर सेल डिप्लॉयड हो गई है, ये फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड एन, और ये है क्या हो जाएगा यहाँ, कनेक्टेड विद कैलोज, और इस कैलोज को रिमूव कौन करेगा, एंजाइम कैलेस फॉर्म बाय, किसने फॉर्म किया था इसको, कौन सी लेयर ने, अभी हमने बात करी थी, दैट इज टेपिटम, टेपिटम ने कैलोज फॉर्म किया था, कैलेज एंजाइम फॉर्म किया था, विच डिग्रेडेड करेगा कैलोज को, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स को। अगर हम माइक्रोस्पोर टेट्राड्स की बात करते हैं तो हम उनके एक बार स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, टेट्राड में भी फॉर्म, ये थ्री सेल्स हैं, एक सेल इसके बैक साइड होगी विच इज नोन एज टेट्रा हेड्रल टेट्राड विच इज मोस्ट कॉमन टाइप, नेक्स्ट इज आइसो बाई लेटरल टाइप, ये लीनियर है पूरा, एक के बाद एक सेल, एक के बाद एक सेल अरेंज है, तो इसको बोलेंगे हम लीनियर, लीनियर टेट्राड। नेक्स्ट एफ शेप और जेक्यूसेट टेट्राड, डिफरेंट काइंड के टेट्राड्स हैं, टेट्राड की माइक्रोस्पोर की अटैचमेंट के बेस पर काइंड ऑफ टेट्राड हैं डिफरेंट काइंड के, नॉट डिसेंस पार्ट वेयर पोलन ग्रेन कम्स आउट आर कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उस डिसेंट पार्ट को, दैट इज स्ट्रोमियम पार्ट, डिसेंट पार्ट को हम स्ट्रोमियम पार्ट कहेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं माइक की आज क्या क्या हुआ, ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है कि द जेनेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इसको, ये एक डिप्लॉयड सेल है, इनसाइड अ पोलन सैक बाय माइटोटिक डिवीजन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के एक डिवीजन से, माइटोटिक डिवीजन से माइक्रोस्पोर टेट्राड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। माइक्रोस्पोर टेट्राड के बाद डिफरेंट काइंड ऑफ टेट्राड हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एक बार, टाइप्स ऑफ टेट्राड ऑन द बेसिस ऑफ क्रोस्पोर्स, और जो ये लेयर है दैट इज कॉल्ड कैलोज, कैलोज की बनी हुई है, और
और हमने ये भी पढ़ा था कि ये कैलोज लेयर कौन बनाता है। कैलोज लेयर की जो फॉर्मेशन है वो हमारी थर्ड लेयर मिडल लेयर करती है, कैलोज लेयर की फॉर्मेशन, और डिसेंट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद डिफरेंट काइंड, टेट्रा, टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेट्रल, लीनियर और एफ शेप। नॉट डिस, जो जहाँ से पोलन ग्रेन निकलेंगे डिसेंट होके, उस स्टेट को बोलेंगे हम स्ट्रोमियम लेयर। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पोलन ग्रेन की और मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर की।